మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ओके दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग. आज के वीडियो में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को स्पष्ट उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे. ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. अब वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरियल वाइज हैं, आप उनको ज़रूर देखिए. अब यहाँ देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बताता है. किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बनता है, वो कहता है कि जब कोई नेटवर्क या सर्किट, देखिए नेटवर्क सर्किट से रिलेटेड जो भी टर्म है मैंने इनको अच्छे तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको सब कुछ समझ लीजिएगा. जंक्शन किसे कहते हैं, नोड्स किसे कहते हैं, ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या हैं, बायलैटरल यूनिलैटरल, मैंने सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. आप इसके पीछे वाले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए. यहाँ टाइम सेव करने के लिए मैंने सारी बातें आप, मैंने आपके सामने हर चीज़ें लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ आप सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लेंगे. ठीक है, देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता क्या है. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है जब कोई नेटवर्क हो या सर्किट हो, किसी नेटवर्क या सर्किट के में किसी क्लोज्ड पाथ में, चाहे लूप हो चाहे मेश हो, किसी क्लोज्ड पाथ में सभी वोल्टताओं का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है. यहाँ भी एल्जेब्रिक सम बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो वोल्टेज राइज होता है, बढ़ता है, उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो वोल्टेज घटता है, फॉल होता है, उसको हम नेगेटिव में लेते हैं. इसीलिए यहाँ वोल्टेज को भी एल्जेब्रिक सम बताया गया है. ठीक है, सारे वोल्टताओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है किसी क्लोज लूप या मेस में. आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिंदी में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद पास में या मेस में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है. ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको. आप दूसरे तरह से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ इन एनी सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. यानी किसी सर्किट में सभी वोल्टता पातों और उसके सारे बैटरी सोर्स के ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं. चूंकि यह नियम सीधे वोल्टता से रिलेटेड है, इसीलिए इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ देखिए एल्जेब्रिक सम वोल्टेज कब बढ़ता है और कब घटता है. ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा. बैटरी का साइन, बैटरी का साइन हम कैसे जानते हैं कि क्या होगा. ठीक है, बैटरी का साइन जानने के लिए आप ये भूल जाइए करंट का डायरेक्शन क्या है. ठीक है, आपको करंट का डायरेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैटरी के ईएमएफ यानी कि बैटरी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्किट में इक्वेशन बनाने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो सिंबल है, साइन है, यह करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है ना, तो डिपेंड किस पर करता है, मोशन पे, हमारे मूवमेंट पे, कि हम चल किस तरह से रहे हैं. ठीक है, यदि हमने खुद डायरेक्शन जो बनाया, यानी कि हमारा जो मूवमेंट है सर्किट में, वह मूवमेंट अगर जो है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर है, तो आप समझ जाइए कि वोल्टेज में फॉल है. हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे. ठीक है, बैटरी का ईएमएफ किस में लेंगे, माइनस में लेंगे. जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 20 वोल्ट होता तो यहाँ माइनस 20 लिखते. ठीक है ना, जब सर्किट बनाते तो, इक्वेशन जब बनाते तो. लेकिन अब राइज कैसे होगा, अगर हमारा मूवमेंट लो से हाई के लिए है, तो समझ जाइए कि जो बैटरी का ईएमएफ है, बैटरी का जो वोल्टेज है, वो राइज हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू में लेंगे. ठीक है ना, तो इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा. यहाँ राइज कब होगा, जब हम लो से हाई की ओर चलेंगे. करंट किधर फ्लो हो रहा है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, यानी कि बैटरी का जो साइन है वो करंट फ्लोइंग पे डिपेंड नहीं करता है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा. लेकिन आईआर जो ड्रॉप्स है, ये करंट फ्लो पे डिपेंड करता है. आईआर ड्रॉप्स का साइन, आईआर ड्रॉप्स का चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए करंट के डायरेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ही पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का निर्माण करती है. वो कैसे, करंट जब फ्लो होती है तो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है, इसलिए रेसिस्टर का एक सिरा पॉजिटिव और जिधर फ्लो हो रही है उधर क्या लिख देते हैं, नेगेटिव. इसलिए आईआर ड्रॉप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, करंट फ्लोइंग का डायरेक्शन जानना, दिशा जानना क्या होता है, जरूरी होता है. ठीक है, तो यहां देखिए
मान लीजिए कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। आपका मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, आप ऐसे चल भी रहे हैं जिधर करंट फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस, यानी कि जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इसलिए जो भी ड्रॉप होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, ये आउटपुट देखा जाता है, आप किधर चल रहे हैं तो आउटपुट क्या पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो मूवमेंट यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन मान लीजिए इधर है, इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस, हमेशा करंट फाइल से लो की फ्लो होती है, प्लस हो जाएगा या माइनस, लेकिन संजोग से आपका मूवमेंट क्या है, इधर है, तो इधर जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, आपका वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव है ना, तो वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा, इसलिए इसको हम प्लस आई आर क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। इस प्रकार हमने क्या रख दिया, साइन रख दिया। ठीक है, अब जो भी हमने आपको बताया, अब यहाँ हम इस सर्किट में उसका यूज करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए इसका यूज क्या है, किरचॉफ लॉ का, ये लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव लूप्ड और टाइम वेरिएंट इन वेरिएंट हर तरह के सर्किट में यूज होता है। इसका वेरिफिकेशन, इसका जो यूजफुलनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अब इसका जो सिंबल हमने आपको बताया है, जो साइन बैटरी का और आई आर ड्रॉप्स का मैंने बताया है, इसको हम इक्वेशन बनाने में इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस लूप में हमको आपको क्या लगाना है, इस लूप में आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगाना है। यहाँ आप देख रहे हैं करंट को दिखाया ही नहीं गया है, करंट कहीं नहीं दिखाया गया है। जब करंट कहीं फ्लो होना सर्किट में नहीं दिखाता है, तो हम अपने मन से डायरेक्शन मान लेते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, किधर भी हम डायरेक्शन मान लेते हैं, रिजल्ट सेम आता है, कोई उसमें डिफरेंट नहीं आता है। ठीक है ना, तो यहाँ चूंकि करंट का डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम जो है चाहे ऐसे करंट का डायरेक्शन मान लें, हमारा मूवमेंट चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, दोनों में से किसी डायरेक्शन में वैल्यू से मिलेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा मूवमेंट किधर है, इधर है। ठीक है ना, तो जिधर हमारा मूवमेंट है, हम उधर करंट का डायरेक्शन भी मान ले रहे हैं, ऐसे, मतलब ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है ना, हम ऐसे ही मान लिया, क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रही है, इसलिए हम अपने अनुसार इसमें मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, देखिए यहाँ मूवमेंट भी हमारा एक ही है, करंट का डायरेक्शन भी वही है, मतलब करंट का डायरेक्शन मूवमेंट दोनों क्या है, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अगर तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, प्लस, और फिर ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इधर से हम चल रहे हैं, इधर से हम चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं, तो अगर हम पहला टर्म में ई एम एफ ई को ई वन को जानना चाह रहे हैं, प्लस होगा माइनस, तो देखिए इधर से हम चल रहे हैं ऊपर की ओर, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं ना, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पोटेंशियल राइज होगा, सर्किट का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो यहाँ इसको हम पॉजिटिव में रखेंगे, प्लस ई वन, जैसे हमने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे हमने बताया है, इधर लो से हाई की ओर चल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने पॉजिटिव पुट कर दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं प्लस से माइनस, करंट भी इधर फ्लो हो रही है, हमारा मूवमेंट भी इधर ही है, तो प्लस से माइनस की ओर हो रहा है, तो मतलब क्या है, वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। देखिए प्लस से माइनस मूवमेंट भी हमारा उधर ही है, तो वोल्टेज यहाँ फॉल हो रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आई आर। ठीक है ना, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको आर वन मान ले रहे हैं, तो ये आपका आर वन हो जाएगा, इधर फ्लो हो रहा है, फिर वही चीज़, यहाँ भी फॉल हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस आई आर टू हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इधर बढ़ रहे हैं, देखिए इधर फिर हाई से, अब देखिए हाई से लो की ओर फ्लो हो रहा है, जब हम हाई से लो की ओर फ्लो होगा तो फिर पोटेंशियल फॉल होगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई टू हो जाएगा। अब आर थ्री की हम बात देखें, तो फिर वही सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई आर थ्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ई वन और ई टू को एक पास में रख लीजिए, सारे ड्रॉप्स को उधर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, और उसमें आई कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा कि इसमें जो है ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम, ठीक है, जितने रेसिस्टर हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप के सम के क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किरचॉफ्स लॉ का समीकरण आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस ईएमएफ ने जो भी एनर्जी सर्किट को दिया, वो सारा का सारा एनर्जी यूज हो गया इस रेसिस्टर के थ्रू,
मान लीजिए बल्ब लगे हैं तो सबके सब जो है इस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी यूजफुल एनर्जी में, तो जितना आपने दिया उतना कन्वर्जन हुआ, इसका मतलब कोई भी एनर्जी फालतू का लॉस नहीं हुई। जितना आपने एनर्जी दिया सबका सब कन्वर्जन हुआ, इसका मतलब एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो भी हमारा सोर्स एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड करता है वो सारा एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इसलिए ये लॉ जो है क्या जो रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये डीसी सर्किट के लिए यूजफुल है, एसी के लिए ठीक उसी प्रकार यूजफुल है जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ है। ठीक है, अगर ये सारे एलिमेंट सेम हैं तो तीनों वैल्यू के लिए, जो मैंने बताया था जस्ट केसीएल में मैंने बताया था, तीनों वैल्यू के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फेजर वैल्यू, तीनों वैल्यू के लिए ये रूल क्या होगा, फॉलो होगा। अगर ये डिफरेंट हो गया ये तीनों, तो केवल दो वैल्यू के लिए फॉलो होगा, केवल फेजर वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, फॉलो नहीं होगा। तो हमको लगता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जो भी टर्म्स से जितना भी रिलेटेड था मैंने सब इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। अगर कुछ छूट गया हो या कुछ जानना हो या कुछ और हमें बताना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अब इस पर एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, हाँ तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर बाय यूजिंग केवीएल। जो अभी तक आपको रूल बताए उस रूल का प्रयोग करके यहाँ रेसिस्टेंस आर का हमें क्या करना है, मान निकालना है। देखिए बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, पूछा गया है बहुत हाई फाई एग्जामिनेशन में, लेकिन देखिए इसको कितना ईजी वे में आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए R की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका, 2 एम्पियर करंट यहाँ दिया हुआ है, तो 2 एम्पियर करंट जब यहाँ दिया हुआ है तो इन दोनों के क्रॉस टोटल वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, 2R होगा ना इनके क्रॉस वोल्टेज। अरे आप वोल्टेज बराबर क्या होता है, धारा करंट गुणे प्रतिरोध रेसिस्टेंस, दोनों का गुणा करेंगे टोटल वोल्टेज हो जाएगा कितना होगा, 2R। यही टोटल वोल्टेज यहाँ पे जो है वो क्या होगा, इसके क्रॉस अप्लाई हो जाएगा। तो हमें अब इसके क्रॉस भी वोल्टेज जानना क्या है, जरूरी है। तो जो मान लीजिए यहाँ 20 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है, इन दोनों के क्रॉस टोटल वोल्टेज आ रहा है, उसी के बराबर 2R कर देंगे तो R की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। लेकिन अब इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज जानने के लिए हमें इसमें फ्लोइंग करेंट की मात्रा भी जाननी पड़ेगी। ठीक है ना, कितना करेंट इसमें फ्लो हो रहा है I, हमें इस I का मान हमें क्या करना है, निर्धारित करना, तभी ना हम 10 × 10 × I करके यहाँ टोटल वोल्टेज निकाल पाएंगे। तो हम मान लीजिए कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ करंट कितना जा रहा है, 2, यानी कि इस जो ब्रांच है इस ब्रांच में 2+I करंट फ्लो होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 2+I। अरे 2 इधर आई इधर, तो टोटल कितना करंट हुआ, 2+I। तो इसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा देते हैं अपने अनुसार। ठीक है ना, क्या लगा देंगे हम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऐसे हम लगाना शुरू करें, देखिए ऐसे 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 हम लगाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ लूप 1 लगा दीजिए, यहाँ लिखिए अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट। आप लिख देंगे हिंदी में कि लूप फर्स्ट में केवीएल को उपयोग करने पर ऐसे। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ऐसे ऊपर की ओर, माइनस से प्लस की ओर बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे 100। ठीक है, करंट हम ऐसे ले रहे हैं ऐसे, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो -10। आई कितना है, 2+I। ठीक है, 10 × फ्लोइंग करंट। अब फिर देखिए ये प्लस 2 माइनस हम ऐसे ही आ रहा है ना, तो ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, तो फिर हम नीचे आएंगे तो प्लस से माइनस ये भी नेगेटिव होगा, तो -10I हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ से हम I का मान निकाल लेंगे कितना होगा, देखिए 100 − 20 − 10I − 10I इक्वल टू क्या होगा, 0। ये होगा आपका 80, ये कितना हो जाएगा, 20I = 0, तो हो जाएगा 20I = 80, तो I बराबर क्या होगा, 80/20 कितना आया, 4 एम्पियर। तो आपने क्या देखा, इस I की वैल्यू कितना आ गया, 4 एम्पियर। ठीक है, अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, तो आप लिख देंगे VAB बराबर क्या होगा, 10 × 4 यानी कि 40 वोल्ट, बराबर क्या होगा, इसको C और D मान लें तो क्या हो जाएगा, VCD, यानी कि यहाँ पे 40 वोल्ट है, इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो 2R होगा, अरे करेंट इंटू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20 ओम।
ठीक है ना। इस तरह से आप KVL का यूज करके बहुत ही आसानी से इस रेसिस्टेंस R का मान निकाल दिया, ठीक है। कैसे आप समझे हैं, आप इसको देखिए, किसी चाहे आप ऐसे मान लीजिए चाहे आप ऐसे मान लीजिए, इधर मान लीजिए डायरेक्शन चाहे इधर मान लीजिए, आप मान के देखिएगा आंसर सेम आएगा। अरे जो यहाँ जो माइनस है वो प्लस आ जाएगा, जो प्लस है वो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन कर लेके जीरो के बराबर भेज दीजिए, फिर यही चीज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आप डायरेक्शन किधर भी ले सकते हैं किसी भी लूप में, ठीक है ना। बस ऐसे आपको ये ध्यान देना होगा कि साइन क्या होगा, या ड्रॉप्स का साइन क्या होगा, बैटरी ईएमएफ का साइन क्या होगा। आप बहुत आसानी से किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक तरह। इस तरह से हमारी वीडियो संपन्न होती है। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई क्यूरी हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।